इंडिया या भारत, देश के नाम को लेकर खड़ा हो गया है विवाद। क्या मोदी सरकार देश का नाम बदलने वाली है? आखिर क्या है पूरा मामला जिससे भड़क उठा है विपक्ष? आपको बता दें कि दिल्ली में होने जा रहे 3 दिवसीय G20 समिट के डिनर हेतु निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि कांग्रेस ने इस पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। विपक्ष एक के बाद एक बयान देकर इस पर हमला कर रही है। एक और विपक्षी दलों का ये आरोप है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टियों के नेताओं का कहना है कि भारत नाम के इस्तेमाल कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि ये संविधान का हिस्सा है। साथ ही कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। समाचार एजेंसी IANS ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि संसद के विशेष सत्र में सरकार इंडिया शब्द हटाने के प्रस्ताव से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है। बयानबाजी के परे आइए जानते हैं कि देश के संविधान में देश के नाम को लेकर क्या कहा गया है। देश के संविधान के अनुच्छेद 1 में ही देश के नाम का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। संविधान में ये इकलौता प्रावधान है जिसमें बताया गया है कि देश को आधिकारिक तौर पर क्या बुलाया जाएगा। इसी के आधार पर हिंदी में देश को भारत गणराज्य और अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा जाता है।